हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते थे कि क्विड की क्लाइंबर जो है वाइट कलर में डिसकंटिन्यू कर दी गई है, कि जब हम शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि क्विड की क्लाइंबर जो है वाइट कलर में वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्विड की क्लाइंबर जो है वाइट कलर में भी आपको मिल रही है। देखिए यहाँ पर शोरूम पर जो है ये लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विड क्लाइंबर। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको मिलता है अगर आप क्विड की क्लाइंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट की लुक जो है वो सबसे पहले आप देख लें। तो यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलैम्प्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडलैम्प्स के चारों ओर ऑरेंज कवर जो है वो आपको किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स जो है वो आपको दिए गए हैं, और DRL भी आपको यहाँ पर LED DRL जो है यहाँ पर आपको मिलता है। फ्रंट आप देख सकते हैं, फ्रंट का ग्रिल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट भी दिया गया है फ्रंट में, और यहाँ पे रेनो का लोगो जो है वो भी दिया गया है। तो इस तरफ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के आपको फ्रंट का लुक जो है वो आपको रेनो के क्विड क्लाइंबर का दिखता है वाइट कलर का। यहाँ पे इसके इंजन की बात करें तो 1 लीटर की इंजन यहाँ पर आपको दी जाती है। साइड में देखें तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिया गया है, और टायर साइज़ की बात करें तो 165/70 R14 के टायर यहां पे आपको मिलती है, और यहां पे स्टील व्हील ही आपको दी जाती है। ये व्हील कैप आपको यहां पे लगाया गया है। यहां पे ORVM की बात करें तो वो भी आपको ऑरेंज कलर में ही मिलती है, देख सकते हैं, जो कि लुक जो है काफ़ी अच्छी इसकी लगती है और कलर के मुकाबले। आप देख ले इसका लुक। तो अगर आप इसके वाइट कलर को लेना चाहते हैं तो बेशक आप शोरूम से कह सकते हैं कि हमको वाइट कलर जो है क्लाइंबर की चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी साइड क्लाइडिंग जो है वो भी आपको दी गई है, जो कि आपको स्क्रैच से काफ़ी हद तक बचाती है। यहाँ पे डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक डोर ओपनर जो है वो आपको दिया गया है। रियर की बात करें तो रियर का लुक कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। टेल लैंप आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं रूफ रेल में भी आपको ऑरेंज फिनिश जो है वो आपको दिया गया है। चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इंटीरियर इसका किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। इसके डोर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको डोर ओपनर पे क्रोम फिनिश मिलता है, और यहाँ पे बोतल होल्डर भी आपको दिया गया है। और ये जो कार है ये आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है, और यहाँ पे जो आप जिस कार का वीडियो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही है। इसकी इंटीरियर आप देख सकते हैं, ब्लैक इंटीरियर आपको दिया गया है फ्रंट का डैशबोर्ड। तो वाइट में अगर मैनुअल भी चाहते हैं तो मैनुअल भी आपको मिलती है वाइट कलर में, और ऑटोमेटिक चाहते हैं तो ऑटोमेटिक भी आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, यह है इसका गियर नॉब। यहाँ पे आपको बहुत ही डिजिटल टाइप से यहाँ पे आपको गियर नॉब जो है वो आपको दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल, ड्राइविंग, और यहाँ पर रिवर्स। इस ढंग से आपको यहाँ पर गियर नॉब जो है वो आपको दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एकदम से एक डिजिटल टाइप से आपको गियर नॉब जो है वो आपको दी गई है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको एक बहुत ही बढ़िया फिनिश मिलता है ऑरेंज। इस कार में अगर आप देखें तो बहुत जगह पे यहाँ पे आपको ऑरेंज इंसर्ट जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आप टच स्क्रीन में भी देख सकते हैं 8 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए आपको ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और साइड में आपको ऑरेंज फिनिश जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ पर। और टच स्क्रीन आप ड्राइवर वाला टच स्क्रीन जो है वो ही यहाँ पे आपको मिलती है, और यहाँ पे आप चारों डोर को यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पावर विंडो के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं, और AC अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC जो है वो आपको दिया जाता है। इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलती है, आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। AC वेंट्स की बात करें तो आपको इस प्रकार की AC वेंट्स मिलती है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दिया गया है, ये रोल भी करता है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको क्विड लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है।
इसकी ग्लोव बॉक्स की बात करें तो बहुत ही बड़ी ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी अंडर तक जो है इसकी ग्लोव बॉक्स गई हुई है। आप ORBM को यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फ्रंट की लुक आपको मिलती है। अगर आप क्विड क्लेम्बर ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया इजी ड्राइव आपको मिलती है। यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में अगर आप देखें तो सेंट्रल कंसोल में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे USB और ऑक्स का भी आपको पोर्ट मिलता है। और यहाँ पर आपको स्टोरेज जो है वो दिया गया है मोबाइल वगैरह के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरेज आपको सेंट्रल कंसोल में दिया गया है। आप पीछे की ओर आएँ तो यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज दिया गया है मोबाइल या फिर कुछ रखने के लिए। आप सीट में अगर देखें तो सीट की कुशनिंग भी अच्छी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर भी देखिए ऑरेंज इंसर्ट जो है वो आपको मिलता है। अगर आप क्विड क्लेम्बर और इस वेरिएंट को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी आपको ऑरेंज इंसर्ट जो है वो जगह जगह पे आपको देखने को इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको मिलती है। स्टेयरिंग व्हील पर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोल यहाँ पर आपको नहीं मिलती है सिवाय हॉर्न के। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स और इधर देखें तो आपको वाइपर के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं रियर की सीट पे, वहाँ पे देखते हैं कि इसकी सीट की कंफर्ट कुशनिंग कैसी है और वहाँ पे किस प्रकार का स्पेस जो है आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई स्टोरेज जो है वो आपको डोर पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको डोर ओपनर पे सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको दिया गया है। और रियर की डोर में भी आप देख सकते हैं ऑरेंज फिनिश जो है यहाँ पर भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर जब आप रियर की सीट पर आते तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऑरेंज फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और इस कार में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी रियर में दिया गया है। यहाँ पे कप होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन एक हैचबैक कार में आपको आर्म रेस्ट जो है वो आपको दिया जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे। और यहाँ पे सीट की कंफर्ट की बात करें तो आपको सीट की कम्फर्ट भी ठीक ठाक मिलने वाली है। आप यहाँ पर अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं तो 3 एडल्ट्स आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और 2 एडल्ट्स और 1 बच्चा तो काफ़ी आसानी से आप लोग बैठ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से आप फ्रंट का लुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रंट की लुक है। और यहाँ पे आप इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। 1 लीटर के आपको इंजन आपको इसमें मिलने वाली है। तो अगर आप ऑटोमेटिक क्विड लेना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पर आप रूफ लाइट की बात करें तो रूफ लाइट आपको एक ही मिलती है फ्रंट में, और आपको IRBM भी नॉर्मल दी जाती है। इस म्यूजिक सिस्टम में आप ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे वैनिटी मिरर की बात करें तो आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे को ड्राइवर साइड नहीं मिलती है, और ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं दी जाती है। यहाँ पे इस कार में आपको डुअल एयरबैग जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ABS और EVD भी आपको सेफ्टी के नाम पर दिया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। इसके बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देखें तो 249 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। पार्सल ट्रे भी आपको रियर में दिया गया है। यहाँ पे आपको ये BS6 में मिलती है। चलिए इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्विड क्लेम्बर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं कि ऑन रोड प्राइस जो है, अगर आप रामगढ़ रांची हजारीबाग से हैं तो आपको 5,90,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके ऑटोमेटिक के लिए। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपके लिए बन जाता है अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्विड क्लेम्बर ऑटोमेटिक खरीदना चाहते होंगे तो